एक नदी के किनारे पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। एक दिन एक टोपी वाला इस रास्ते से जा रहा था। नदी का शीतल जल और वृक्ष की ठंडी छाया देखकर वह कुछ दिन आराम करने का मन बनाया। वहीं पेड़ के नीचे अपना सामान रख कर आराम करने लगा। थकावट और ठंडी ठंडी हवा के कारण उसे नींद आ गई। थोड़े समय बाद जब उसकी नींद खुली तो वह उठा, अपने सामान की ओर नज़र डाली तो देखा कि टोपियों वाली गठरी खुली हुई है और सारी टोपियां गायब हैं। वह बहुत परेशान हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सारी टोपियां कहाँ गई, कहीं कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। इस विपत्ति से बचाने के लिए उसने भगवान को याद कर ऊपर की ओर देखा। तभी उसे पेड़ पर बैठे बंदर दिखाई दिए। पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे थे और सभी ने उस टोपी वाले की टोपियाँ पहन रखी थी। टोपी वाला यह सब देखकर परेशान हो गया। बंदर से टोपी वापस पाने का कोई उपाय उसे समझ नहीं आया। वो नीचे पड़े मिट्टी के ढेले उठाकर बंदरों पर फेंक कर उन्हें डराना चाहा ताकि वे डर कर और टोपी फेंक कर भाग जाए। परंतु बंदर कहाँ डरने वाले थे। टोपी वाले की नकल करते हुए वे भी पेड़ से फल को तोड़कर टोपी वाले को मारना शुरू कर दिया। बंदरों की मार से टोपी वाला घबरा गया। परेशान तो वह पहले से ही था, परंतु इस घबराहट में बंदर से टोपी वापस पाने की उसे एक भी युक्ति समझ में नहीं आई। उसने अपने बंदरों की ओर देखते हुए गुस्से में अपने सिर की टोपी को उतार कर जमीन पर फेंक दिया। उसकी देखा देखी सारे बंदरों ने भी अपने अपने सिर की टोपियों को उतार कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। टोपी वाले की युक्ति काम कर गई। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियाँ उठाई और अपने रास्ते चल दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी परेशानी आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस परेशानी का, उस मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।